लिनोवो काफी मस्त मस्त लैपटॉप्स एंड टैब्स बनाता है, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। फटाफट से खोलते हैं भाई, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है। बॉक्स के अंदर दोस्तों ये आपको मेन टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ टाइप सी चार्जिंग केबल आपको मिलता है, 20 वॉट का एक छोटा सा चार्जर आपको दिखाई देगा, ढेर सारा यूजर मैनुअल वगैरह दिखाई देगा। ये हमारा जो है मेन स्टाइलिस आपको दिखाई देता है। भाई लोग अगर हम यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात करें तो आप स्पेशली यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा भाई स्लीम है, स्लीक है, 450 ग्राम का है, मतलब काफी ज्यादा हल्का है, आराम से मतलब ये चीज भी कर सकते हो काफी मस्त तरीके से। एंड यहाँ पे देख सकते हो पीछे कैमरा वगैरह आपको दिखाई देगा, एक फ्लैशलाइट आपको दिखाई देगा। एंड इस साइड में देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन के दो बटन आपको मिलते हैं, दो माइक्रोफोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एंड इस साइड देखोगे तो यहाँ पे एक पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है। सबसे बेहतरीन चीज मुझे यहाँ पे ये लगी कि इसके अंदर आपको चार स्पीकर मिलते हैं, इस साइड दो है, इस साइड दो है, तो भाई आवाज एक नंबर आएगा। टाइप सी पोर्ट आपको दिखाई देगा जिससे आप चार्जिंग वगैरह वो सारी चीजें कर सकते हो, इवन डेटा ट्रांसफर भी यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिम ट्रे मिलता है जहाँ पे जो है आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, एंड 1 TB तक जो है इसकी मेमोरी आप बढ़ा सकते हो। ये काफी चीज मुझे अच्छी लगी। एंड पीछे देखोगे तो यहाँ पे ड्यूअल टोन में कलर आपको दिखाई देगा, ऊपर जो है डार्क ग्रे है और नीचे थोड़ा सा फेंट ग्रे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डिजाइन मुझे काफी मस्त लगा, हाथ में पकड़ने के लिए काफी बेहतरीन है, एंड हल्का भी है, कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी। उसके साथ यहाँ पे आपको एक स्टाइलस भी मिलता है, और ये पूरा का पूरा पार्ट मैग्नेटिक आता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से आप ये स्टाइलस यहाँ पे रख सकते हो, इवन जो ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली ये जो स्टाइलस है ये चार्ज होता रहेगा। यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती है, एक जो है नॉर्मल सा जो कीबोर्ड होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे जो देख सकते हो आपको एक पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ इस तरीके से अटैच करना है, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायरेक्टली एक लैपटॉप में, तो यहाँ से डायरेक्टली आप सारी चीजें कर सकते हो। ये आपको एक केस मिलता है, ये भी पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक केस है, कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है, आप यहाँ पे इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो डिजाइन में मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि आप कस्टमाइजेशन बहुत सारे कर सकते हो, टैबलेट करके भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप एज अ लैपटॉप करके भी यूज कर सकते हो। भाई साहब इसके सबसे मस्त चीज जो है वो है इसकी स्क्रीन, 11.2 इंचेस की ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, 2K डिस्प्ले है, एंड उसके साथ साथ ओलेड है, तो भाई आपको कलर्स बहुत मस्त दिखाई देते हैं। इवन मुझे मैंने एक नोटिस किया, जो बाकी सारे कलर्स है वो तो आपको मस्त दिखते ही है, लेकिन जो ब्लैक्स है वो भाई इतने परफेक्ट दिखता है, आप मूवीज वगैरह देखोगे तो आपको बिल्कुल भी वहां पे स्क्रीन ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिखाई देगी, ईच एंड एवरी पिक्सल जो है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्राइटन होता है और मस्त लगता है, कोई भी आप मूवी वगैरह देखना चाहते हो वो काफी मस्त तरीके से यहाँ पे देख पाओगे। एंड उसके साथ साथ एक मिनट भुगतान भाई मारो मुझे और ब्राइटनेस भाई 420 नीट्स का ब्राइटनेस मिलता है, इतना हेवी ब्राइटनेस आपको मिलता है, इवन फुल ब्राइटनेस के बाहर भी जाओगे तो भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी इसको लेके जाओ मस्त तरीके से स्क्रीन देख पाओगे। एंड ओलेड के साथ साथ जो है आपको और सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि वॉलपेपर्स वगैरह वो चेंज कर सकते हो, जो भी वॉलपेपर्स आप यहाँ पे डालोगे वो काफी मस्त दिखते हैं, और पूरा यूआई जो है ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ट है, मस्त लगता है और लैग फ्री है, मक्खन लगता है एकदम से, कुछ भी ऐप आप यहाँ पे ओपन करोगे वो काफी अच्छे तरीके से ओपन हो जाते हैं, लैग नहीं है, ये काफी अच्छा लगा। एंड स्टॉक एंड्रॉइड होगा तो उसके वजह से अल्तू फालतू के जो एप्स आते हैं वो नहीं आएंगे, वो चाइना वाले एप्स है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और इवन जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जो ट्रांजिशन होता है वो भी काफी ज्यादा क्विक है, लैग नहीं मिलता कुछ नहीं। एंड सारे के सारे एप्स जो है, मतलब जो स्मार्टफोन होता है सेम उस टाइप आप इसको यूज कर सकते हो, सारे एप्स वगैरह यहाँ पे जैसे कि नेटफ्लिक्स हो या फिर आपका जो प्ले स्टोर वगैरह होता है वो सारी चीजें यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो काफी बढ़िया तरीके से। एक बार इसका साउंड सुनो भाई, बहुत ज्यादा मस्त लगता है, 4 स्पीकर मिलते हैं और JBL के स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, भाई मस्त लगता है, एक बार इसका साउंड सुनो। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल साउंड सुनाया जाता है, काफी मस्त लगता है, और जो डॉल्बी एटमॉस का है तो उसके वजह से जो बेस वगैरह वो
काफी ज्यादा परफेक्ट आता है। दोस्तों स्पेक्स के बारे में बात करें, दो वेरिएंट आपको मिलता है। ये मेरे पास जो है ये 8GB वाला है, 256GB रोम मिलते हैं, एंड दूसरा जो है वो 6GB 128GB रोम के साथ आता है। इसमें जो चिपसेट है वो यहाँ पे मीडियाटेक का कंपेनियन 1300T का चिपसेट है। काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे और काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस पूरा लगा। एंड यहाँ पे दो आपको कैमराज मिलते हैं, एक जो है ये बैक वाला कैमरा है, फ्रंट वाला कैमरा एक मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। काफी मस्त लगता है, फ्रंट कैमरा से तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि सामने जो है मेरे यहाँ पे लाइट्स वगैरह है तो उसके वजह से थोड़ा इफेक्ट और ज्यादा इनहांस हुआ है, बट कलर्स वगैरह काफी अच्छे लग रहे हैं। आप जो है ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह काफी मस्त तरीके से कर पाओगे क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। एंड बैक कैमरा की भी क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह वो सारी चीजें मिलती है तो उससे भी आप चीजें चेंज कर सकते हो, बुके इफेक्ट वगैरह वो भी कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड बैक कैमरा का भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर फुटेज मुझे दिख रहा है, तो भाई कैमरा भी काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे। और इसका जो स्टाइलस है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वायरलेसली चार्ज भी होता है तो अलग से इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा वर्क करता है, डिले काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है, आपको फील भी नहीं होगा। एंड इवन नोट्स वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नोट्स करते वक्त आपको थोड़ा सा फील होगा डिले, बट वो नॉमिनल है, कुछ भी इतना मैक्सिमम आपको फील तो नहीं होगा, काफी अच्छी तरीके से नोट्स वगैरह बना सकते हो। आगे का जो स्टाइलस का पॉइंट है ये भी आप चेंज कर सकते हो, आपको इसके साथ एक्स्ट्रा का एक यहाँ पे स्टाइलस का पॉइंट भी मिलता है, वो आप अगर ये इनकेस खराब हुआ तो वो चेंज भी कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। एक छोटा सा बटन मिलता है इसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए, काफी ज्यादा यूजफुल चीज मुझे लगी। भाई लोग अभी गेम खेल रहे हो और भाई इसका साउंड इतना इमर्सिव आता है, एस्फाल्ट 9 खेल रहा हूँ और सिर्फ यहाँ पे एक साउंड सुनिए आपको समझ में आएगा। इतना मस्त लगता है यूज करने में, पूरा फुटेज जो है ओलेड की वजह से बहुत ज्यादा क्लीन दिखता है, काफी मस्त लगता है यार, साउंड भाई बहुत ज्यादा क्लियर है, तो उसके वजह से जो है एक लैपटॉप पे जो गेम खेलते हो वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बट भाई बहुत ज्यादा मस्त लगता है। BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी काफी मस्त तरीके से खेल पाओगे, कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने खेली है और वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था खेलते वक्त, साउंड वगैरह जो है वो काफी ज्यादा इमर्सिव आ रहा था, तो उसके वजह से गेमिंग के लिए तो भाई नो डाउट मस्त तरीके से यूज कर पाओगे। दोस्तों 8000 mAh की पूरी बैटरी आती है, लगभग 8 आवर या फिर 7-6 आवर्स आप बोल सकते हो, नॉर्मली यूज करोगे तो आराम से 8 के ऊपर दे देगा, लेकिन गेमिंग वगैरह थोड़ा हीवी यूज करोगे तो 6-7 आवर्स आपको आराम से मिल जाएगा, मतलब दिन भर आराम से यूज कर पाओगे। ऑफिस वगैरह में यूज करना चाहते हो तो भी काफी वहां पे यूज कर, एंड कॉलेज के लिए तो काफी बेहतरीन है ही, नोट्स वगैरह निकाल सकते हो या फिर नॉर्मल जो एप्स वगैरह यूज करना चाहते हो या फिर कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए वो भी काफी मस्त तरीके से यहाँ पे चला सकते हो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज लैपटॉप करके भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर मस्त तरीके से टाइप कर सकते हो। ये जो आपको माउस पैड मिलता है ये माउस पैड भी काफी ज्यादा मस्त है, काफी ज्यादा स्मूथ है, चारों कॉर्नर्स काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो इसकी वजह से ये आप यूज भी कर सकते हो, तो दोनों चीजें मुझे काफी ज्यादा मस्त लगी। आपको लगभग 44,000 के आसपास मिल जाएगा Amazon के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। सो फिलहाल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपके जो भी क्यूरीज हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।